हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर आप लोगों को भी बालों से प्यार है तो आप लोग हिबिस्कस के प्लांट से प्यार कर लीजिए और अपने गार्डन में उसको ऐड कर लीजिए। तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरे बाल इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो वो बोले थे आप लोग तो गाँव से हो तो गाँव में तो ईज़िली हर चीज़ फ्रेश मिलता है, हम लोग सिटी से हैं, जैसे कि हिबिस्कस प्लांट हो गया, फ्रेश दही हो गई, घर की मेथी हो गई, तो इन सब चीज़ों को आप लोग यूज़ करिए, हम लोग नहीं यूज़ कर पाते तो आप लोग ऑर्गेनिक चीज़। तो उसी दिन मैंने एक हिबिस्कस प्लांट लगाया था, ये 5 से 6 साल की बात है। तो आप लोग भी हिबिस्कस प्लांट ज़रूर लगाइए और फ्रेश गार्डनिंग करिए। तो मैं इसको कैसे यूज करती हूँ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सिंपल सा मैं 2-4 फूल लेती हूँ, पत्ते लेती हूँ और उसको पीस करके उसमें मेथी और ये काला तिल और फ्रेश घर का दही लेती हूँ, सबको अच्छे से मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद 1.5 से 1 घंटे के लिए इसको अच्छे से रख देती हूँ और ये सारा अच्छे से मिक्स जब हो जाता है तो सिंपल सा फिर मैं हेयर वॉश करती हूँ। हेयर वॉश करने के बाद इसको अपने जड़ों पे अच्छे से लगाती हूँ। अच्छे से लगाने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक खूब अच्छे से इसको रखने देती हूँ। जब अच्छे से ये सूख जाता है तो फिर मैं इसको धुलती हूँ। धुलने के लिए मैं क्या करती हूँ, 1 घंटे पहले ही अपने फ्रेश घर से, ये मेरे घर का आंवले का पेड़ था तो उसको मैं सुखा करके रख लेती हूँ। सुखा करके रखने के बाद मैं इसको अच्छे से, जब हेयर वॉश करने के 1 घंटे पहले से मैं इसको अच्छे से भिगो देती हूँ और भिगोने के बाद जब सिर धुलती हूँ तो इसको मैं अपने बालों में यूज़ करती हूँ। तो आप लोगों को आंवले का प्लांट